जय श्री राम भैया, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्म रेसलिंग टेबल के बारे में कि इसकी मेजरमेंट क्या क्या है। अगर आप आर्म रेसलिंग सीख रहे हो और सीखना चाहते हो, करना चाहते हो आगे, तो आपके पास एक टेबल होना ज़रूरी है। तो टेबल अगर आप बनवा रहे हो तो आपको इसकी मेजरमेंट पता होनी चाहिए कि इस पर ये सारी चीज़ें कैसे कैसे करनी है, कितनी मेजरमेंट पे इस पर होल होने और ये पिन पैड कैसे लगाने हैं सब। तो पहले हम बात करते हैं टेबल के, इस टेबल के मेजरमेंट की, इसकी हाइट, लेंथ और विड्थ कितनी है। अभी मैं जो नीचे का फ्रेम है इसकी बता रहा हूँ, बोर्ड की नहीं, बोर्ड की अभी बताऊंगा बाद में। तो जो इसकी हाइट है, इसकी टोटल हाइट है 40 इंचेस, टोटल हाइट बोर्ड को मिला के यहाँ से हाइट। और फिर इसकी जो विड्थ है खाली फ्रेम की, वो है आपकी यहाँ से 26 इंचेस। और इसकी विड्थ है, इसकी लेंथ है 36, ठीक है। पूरी जो बोर्ड को मिला के जो लेंथ, ये हाइट है, ये है 40 इंचेस, इसकी विड्थ है ये 26 और ये 36। तो अभी पहले इसका जो बोर्ड है ये हटा देता हूँ मैं। तो ये इसका फ्रेम है। पहले आपको जो है, पहले आपको ये फ्रेम ही बनवाना है। इसकी जो मेजरमेंट है अभी मैंने बताया आपको, अभी इसकी हाइट जो थी वो बोर्ड को मिला के जो थी वो 40 इंचेस थी। और अगर पहले आपको फ्रेम फ्रेम बनवाना है तो अब इसकी हाइट लेनी है आपको, वो उस हिसाब से लेनी है जिस जैसे आपका बोर्ड है। आप इस बोर्ड को कितना ले रहे हो, 1 इंची, 2 इंची, तो उस हिसाब से 40 में से कम कर दो। मेरा जो है ये है 49, मेरा जो बोर्ड है वो 1 इंची का है, तो मैंने ये जो है ये 39 का ले लिया है। और इसकी जो विड है ये 26 है और ऐसे 36, ठीक है। इसको अब आप जो वेल्डर के पास जाओगे तो जो जो आपको नीचे वाले पाइप हैं, इन्हें आप गोल भी ले सकते हो और चकोर भी ले सकते हो। जो ऊपर वाला है ये आपको चकोर ही लेना है क्योंकि इस पर जो आपका बोर्ड टिकेगा। और नीचे का जो है ये, इसको आपको टी शेप में लगाना है यहाँ पे, जिससे आप जो पैर जो है ये आगे रख सको, ठीक है। ऐसे ही लगाया और उसे बीच में एक पाइप लगवा दिया। इसको कैसे लगवाना है, जब ये आपका जो फ्रेम बन जाएगा, अपने मेजरमेंट लेके बनवा दिया है ऐसे 26 36, फिर इसको इसके बीच में, ठीक बीच में यहाँ पे वेल्ड करवा देना है, ठीक है। ये आपको चकोर लेने हैं, ये आपको गोल चकोर दोनों ले सकते हो और ये चकोर ही लेना है। फिर जो ये पाइप है ये भी आपको इसके बिल्कुल बीच में वेल्ड करवाना है। इसकी हाइट कितनी है, ये लेना है आपको 7 इंची का, 7 इंची का आपको इसके बीच में वेल्ड करवा देना है। तो ये तो फ्रेम हो गया, आपका फ्रेम तैयार हो गया। अब बात करते हैं जो ऊपर जो बोर्ड है इसकी, ठीक है। पहले ये हटा देता हूँ मैं। अब देखो, अब इस पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, इसकी जो मेजरमेंट है उस पे। पहले जो पैड हैं इन पे, इनकी बात करते हैं। अब जो आपको जो एल्बो पैड होएगा, इसकी आपको मेजरमेंट लेनी है 7 बाय 7 की, ठीक है। यहाँ से 7 और यहाँ से 7 इंची, ऐसे 7 और ये 7, ठीक है। दूसरी की भी इतनी ले लेनी है। ये पहले आपको लकड़ी पे कटवाना है, लकड़ी का एक फ्रेम। फिर इस पे जो होल है इस पे, ये कैसे करना है आपको, अब आपने 7 बाय 7 का कटवा लिया, अब आपको इन होल की जो मेजरमेंट है वो है आपकी एक, यहाँ से 1 इंची और इधर से 2 इंची, ठीक है। 1 बाय 2 का आपको यहाँ पे मेजरमेंट करके यहाँ पे दोनों होल करवा देने हैं यहाँ पे बोर्ड पे। सेम दूसरे पे भी हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये आपके एल्बो पैड हो गए। अब जो पिन पैड है, पिन पैड की मेजरमेंट आपको लेनी है 12 और 2, 12 बाय 2,
ठीक है। और इसके होल जो करने हैं उसके लिए आपको लेना है 2.5 इंचेस बाय 1 इंचेस, ठीक है, 2.5 बाय 1, और ये 1/2, ऐसे ही दूसरे पहुंचा गए हैं। अब जो ये टेबल पर जो होल हैं ये कैसे करने हैं, इसके लिए पहले आपको जो पट्टा है जो ऊपर का, ये लेना है आपको, कारपेंटर से मिल जाएगा आपको। अब इसकी जो लेंथ है, मतलब जो इसका पूरा जो मेजरमेंट है वो इस तरीके से है कि मैंने जो करवाया है वो, मैंने जो इसका लोहे का फ्रेम है इसकी जो लेंथ है वो उससे थोड़ी बड़ी करवाई है, ताकि जो ये जो पाइप है ये उसके अंदर आ जाए और ये मेरा जो है निकल भी सकता है फिर और लग भी सकता है इसमें। जो अब हमारी जो इसकी फ्रेम की जो लेंथ थी, यहाँ से फ्रेम की लेंथ हमारी 36 थी, तो जो मैंने जो ये है ऊपर का लकड़ी का, इसकी मैंने ली है 38, ठीक है, 2 इंच ज़्यादा ली है, ताकि जो मेरी जो लोहे की जो ये है टनिया ये इसके अंदर आ जाए, ठीक है। और बस यही है, ये यहाँ से बस 2 इंच इसकी लेंथ ज़्यादा लेनी है और वो सेम है लोहे की फ्रेम जितना। तो अब टेबल पे जो आपके ये होल्स हैं ये कैसे करने हैं, जो लकड़ी का जो फ्रेम है इसको आपको ऐसे सेंटर में लाइन खिंचवानी है, ऐसे इधर से भी और इधर से भी, ठीक है, लाइन खींच ली। अब जो एल्बो पैड होगा उस पे आपने ये पहले ये बनवा लेना है लकड़ी का, और उस पे ऐसे होल करवा देने हैं ये 1/2 से, ठीक है, ये होल हो गए। अब आपको जो लकड़ी का फ्रेम है जो सेंटर लाइन खींची है उन होल्स को सेंटर लाइन पे रखना है, और यहाँ से 1 इंची छोड़कर, 1 इंची छोड़ा और उधर इतना ऐसे पैर रख लिया सेंटर लाइन पे उसके होल्स को। तो फिर आपको कारपेंटर से कहना है कि वो यहीं से इस पे होल कर दे नीचे तक पूरी लकड़ी पे, ठीक है, फिर वो होल कर देगा और यहाँ पे ये आपके एल्बो पैड के होल हो जाएंगे, ऐसे ही इधर कर लेना है, ठीक है, ये एल्बो पैड के होल हो गए। अब जो पिन पैड है इसके होल कैसे करने हैं, पहले ये मेरी इस पे पिन पैड पे 3 होल होंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब जो बीच वाला होल है पहले ये लगाना है आपको, इसको आपको जो आपने सेंट लाइन खींची है उस सेंट लाइन पे यहाँ कॉर्नर से 7 इंची लेना है, ठीक है, सेंट लाइन पे होल करना है 7 इंची लेके, ऐसे ही इधर से भी 7 इंची हो जाएगा, ठीक है। अब आपका ये होल हो गया बीच वाला, और जो अभी साइड होल हैं इनको आपको करना है, अब या तो आप इधर से 10 इंची लेके, ठीक है, यहाँ से 10 इंची लिया, और फिर इधर से आपने 6.5 इंची ले, 6.5 इंच लेके इधर से, ठीक है, 10 6.5, या तो ऐसे कर सकते हो, वरना आप इस वाले होल से भी कर सकते हो, यहाँ से आपने 9 लिया ऊपर वाले होल से 9, और आपका 6.5, ठीक है, कोई से कहीं से भी कर लो सेम बनेगा यहाँ पे। अब सेम इधर कर देना आपको इधर से, ठीक, ये 10 और 6.5, ठीक है, ये होल आपके बन जाएंगे, ऐसे इधर बन जाएगा। तो अब ठीक है, ये सब कर लिया आपने, पेच लगवा दिए, फोम लगवा दिया, ठीक है। अब इस पे जो हाइट है, इनकी जो हाइट लेनी है आपको फोम वोम लगाते वक्त, जो एल्बो पैड होगा उसको लेना आपको 2 इंची ऊंचा, ठीक है, लकड़ी को और उसको फोम को मिला के 2 इंच होएगा, और पिन पैड लकड़ी और फोम को मिला के 4 इंच होएगा, इससे डबल, ठीक है, उसी हिसाब से ना आपने लकड़ी, अगर लकड़ी जितनी ले रखी है और उसको फोम को मिला के 4 इंच होना चाहिए, ये ऐसे ये लकड़ी को और फोम को मिला के 2 इंच होगा, ठीक है। ये हो गया आप सब, मैंने आपको इसकी हाइट वाइट सब बता दिया, इसको होल्स को कैसे मेजर करके करना है ये बता दिया है, ठीक है। आप ये वीडियो जो कारपेंटर वेल्डर आप उसे दिखा देना, वो इजीली समझ जाएगा सारा, और आपका टेबल तैयार करके दे देगा, काफ़ी आसान है वैसे, मतलब कुछ ज़्यादा वो नहीं है इसमें कि कैसे बनाएं ये इतना हार्ड है कैसे कैसे होगा, काफ़ी ईजी है। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।